आज का प्रातः क्लास है अट्ठाईस आठ चौसठ शुक्रवार पांचवें पीज के मध्यात में बात चल रही थी बरोबर ब्रह्मा द्वारा स्थापना फिर शंकर द्वारा विनाश और अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। इस महाभारी महाभारत लड़ाई में जिसके बाद बरोबर जो राजयोग सिखलाते थे उनकी और राजाई स्थापन हो गई। फिर अभी सब जाएंगे और फिर अभी कौन आएंगे? सारी दुनिया वाले जाएंगे और सभी धर्म वाले जाएंगे। और तुम बच्चे यहाँ आएंगे नई दुनिया में। पर जब तुम आएंगे तब वो सभी एक एक आत्मा यहाँ आती रहेगी और ये झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो ये बच्चों को मालूम हुआ कि इस झाड़ का फाउंडेशन जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म ये प्रायः लोप है और होना जरूर है, तब तो फिर कहे ना मैं फिर से वो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आया हूँ, क्योंकि ये फिर से माया का परछावा भी पड़ता है और फिर ये आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है, क्योंकि ये भारत है जो ऊंचे थे ऊंचा था पवित्र था उसको ग्रहण लग जाता है और ये ग्रहण किसका लगता है? ग्रहण में काले क्यों हो जाते हैं? सो तो बाबा समझाते हैं कि चाम चित्ता पर बैठने से इस समय में सारी दुनिया काली हो गई। अभी फिर ज्ञान चिच्छा पर तुम बैठ गए हो और फिर गोरा बन जाते हो। अभी तुम श्याम हो ना, ये भी श्याम है और ये श्याम गीता नहीं सुनाते हैं। हाँ, श्याम सुंदर होने वाला है परंतु इसी श्याम में श्याम को सुंदर बनाने वाला गोरा बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। अभी श्याम है ना,
श्याम अपन को गोरा कैसे बनाएगा? जब तक कोई कीमत न मिले, तो देखो ये मत आती है, श्रीमद् भगवत गीता जिसकी मत आती है उनकी आत्मा तो एवर प्योर है ना, एवर गोरी है ना। और आत्मा ही तो गोरी और सांवरी बनती है, तब शरीर भी ऐसा मिल जाता है। उसमें अलाय पड़ती है ना, अभी गवर्नमेंट सच्चा सोना नहीं बनाने देती है, तो सोना भी झूठा है एकदम। नहीं तो ऐसे कभी भी कोई गवर्नमेंट आर्डर नहीं करती है कि 14 कैरेट 9 कैरेट बनाओ, क्योंकि उन बिचारों को सोना चाहिए, कर्जा में देना है ना, सोना ही देना पड़ता है। उन लोगों को तो सोना ही देना पड़े, वो नोट नहीं लेते हैं। ये कायदा है, सब गवर्नमेंट के पास जितना नोट निकालेंगे उतना उनको सोना और चांदी रखना ही पड़ेगा, ये उन लोगों का कायदा है। ये कागज उनके क्या काम के हैं? कागज तो जल भी सकते हैं ना, और सोना और चांदी ये जलेगी या गलेगी? ये तो चांदी की चांदी ही रहेगी, नोट तो गल जाते हैं, समझो। ये एरोप्लेन आते हैं, आग लगती है, फलाना होता है, तो नोट तो जल जाते हैं। चांदी और सोने के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, जेवर गल करके सोना सोना रह जाएगा। और फिर अभी सभी पत्थर खराब हो जाते हैं, ये बेचारा हीरा अच्छा ही रहता है, समझा? क्या समझा है? ये सोना क्या है, चांदी क्या है, ये हीरा क्या है, जब विनाश होगा दुनिया का तो यही बचेंगे। जड़ हीरा सोना चांदी ये भी बचेंगे और चैतन्य भी बचेंगे, समझा? 28/7/64 की वाणी का 6वां पेज। जब नवरत्न बनाया जाता है
तो हीरा ही बीच में डाला जाता है। देखो नवरत्न मनुष्यों के भी नाम हैं, और नाम तो बहुत निकालते हैं ना, अनेक नाम है। ये भक्त वत्सलम नाम है, भक्त दर्शनम नाम है, तुमको तो कोई भी कहने वाला नहीं रहेगा। न कोई भक्त वत्सलम कहेगा, न भक्त दर्शनम। पिछाड़ी में मरने के समय तुमको कोई कहेगा? कोई रहेगा ही नहीं, और कोई नहीं कहेगा राम राम कहो, नहीं। अट्ठाईस आठ चौसठ की वाणी का छठा पेज, पांचवी लाइन, ये मौत फिर ऐसा है जो कोई किसी को राम नाम नहीं कहेगा। ये जा करके बड़े बड़े सन्यासी उदासी सब मरेंगे। वास्तव में ये जो मरते हैं ना, जैसे नेहरू मरा तो उनकी जो भस्मी है तो वो समझा कि ये कोई खाद है, समझा ना। अब इस खाद को सारे भारत में यहां वहां डाल दो तो फिर क्या होगा आखिर? खाद से तो खेती होती है ना, खाद पड़ती है। ये जो भी है ना, झाड़ वगैरह, उसमें जीव पड़ जाते हैं, तो जो राख होती है ना वो भी डालते हैं, अच्छी खाद बन जाती है। तो तुमको भी क्या बनना है? है? क्या बनना है? राख बनना है, सारा देह बांध जल जाए। तो सारी दुनिया को तुम्हारी खाद मिल जाएगी। तो अब तुम समझो ये राख कितनी इस पृथ्वी को मिलेगी, थोड़ा विचार तो करो। ये एक की खाद, नहीं तो खाद भला देनी चाहिए कोई पवित्र सन्यासी व महात्मा की। परंतु एक नेहरू की खाद लगाई है सारे भारत में, वो तो एक हद का नेहरू हुआ। फिर बेहद का नेहरू कौन है? कैसी रूह? स्नेह की रूह। ये बेहद के स्नेह की रूह नेहरू सारी दुनिया के लिए खाद देती है।
अब ये कोई साधु सन्यासी पवित्र आत्मा की खाद नहीं है। उनके तो कभी कोई नहीं करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का अपना जो है उनको सब कुछ कर सकती है, हैं? वो तो हद की गवर्नमेंट, और हद का नेहरू था, और ये बेहद की गवर्नमेंट है। वो क्या नहीं कर सकती है, अपना जो भी है उनको सब कुछ कर सकती है। अगर उत्तम है तो वास्तव में इस समय में सन्यासी, ये जो शिवानंद मर गया तो जो बाबा राधा कृष्ण था पिछाड़ी में उनके पास गया, तो ये जो प्रेसिडेंट की भी गुरु उनकी राख को एरोप्लेन में डाल करके और भी डालना चाहिए। परंतु उस एक की राख से क्या होगा, किस एक की राख से है, राधा कृष्णन की राख से, वो हद का राधा कृष्णन, इंडिया का प्रेसिडेंट, बाप कहते हैं एक से क्या होगा, एक राधा कृष्णन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के सैंपल से नई दुनिया बनेगी क्या? तुम बच्चे अभी जानते हो कि कितनी राख पड़ेगी, कितने सड़ेंगे, कितना भार मिलेगा, ये सारी खाद है ना। तो देखो सारी सृष्टि को कितनी खाद मिलने की है, तो क्यों नहीं नई दुनिया में ये सृष्टि एकदम फर्स्ट क्लास अनाज देगी, तो बरोबर सतयुग में जो अनाज होगा, इतनी जो खाद पड़ेगी, ये जनावर आदि फलाना सब जो कुछ भी है सब भस्मीभूत हो जाएंगे, सड़ी हुई चीज को खाद कहा जाता है। ये झाड़ के पत्ते हैं ना, वो भी गड्ढे में डाल देते हैं, ये जो छेना कचरा जो भी है सब डालते हैं तो खाद बन जाती है, और खाद बनने में भी टाइम लगता है, फट से तो नहीं बन जाता। बाबा कहते हैं ना, टाइम तो लगेगा ना इस सृष्टि को नया बनाने में,
जिसमें खाद पड़ेगी। तुम जाते हो सूक्ष्म वतन में, वहां तुमको इतने बड़े बड़े फूल दिखलाते हैं, इतना इतना सुबी रस पिलाते हैं, संतरे का रस, मौसमी का रस वगैरह वगैरह। तो तुम विचार करो कि कितनी खाद मिलेगी, और सो भी कौन से देश को ये खाद मिलेगी है? सिर्फ भारत को क्यों, सारी दुनिया में मरेंगे या सिर्फ भारत में ही मरेंगे है? फिर सारी दुनिया में मिलनी चाहिए या भारत में है? क्योंकि सारी दुनिया समुद्र के गर्त में समा जाएगी, एक भारत ही बचेगा जहां पृथ्वी का किनारा होगा। तो समंदर की लहरों से सारा खाद कहां इकट्ठा हो जाएगा? भारत में इकट्ठा हो जाएगा। रक्त भी डालते हैं बर्फ में, एक अंगूर होता है अगर उसमें बकरे का या किसी का रक्त डाले तो उनमें खुशबू बहुत आ जाती है। बहुत मीठा हो जाता है। वो अंगूर कभी खाया है? तो अभी ख्याल करो फिर कितनी खाद मिलेगी, कितनी अच्छी अच्छी सात चीजें होंगी। तुम्हारी नई दुनिया के लिए ऑटोमेटिकली ये सारी दुनिया में खाद वाद सब तैयार हो जाएगी, और एकदम ड्रामा प्लान अनुसार। फिर तुम वहां आकर के एक एक फल देखेंगे, और यहां तो किसी मिल भी नहीं, किसी को ये मिल भी नहीं सकते हैं। और सूक्ष्म वतन में तो फल होते ही नहीं है, तो कहां से तुमको वो सूबी रस पिलाते हैं? देखो ये बैकुंठ है, तुमको बगीचे का साक्षात्कार कराया, भले बाबा नहीं देखा है और तुम बच्चों ने ही देखा है ये सब, पर सुना है तो बाबा को याद है। सूक्ष्म वतन में फिर वो जाते हैं बगीचे में, 28-64 की वाणी का सातवां पेज। बगीचे में फर्स्ट क्लास कितने फल फूल होते, तो शौक होता है ना, समझो वहां हमारा बगीचा होगा तो मेरे को कितना शौक होगा, नशा होगा।
चलो हम तुमको वहाँ फल तो खिलावे। तो ये साक्षात्कार किया कि बरोबर वहाँ जाते हैं। प्रिंस जो बनने वाला है, देखो इनको मालूम है, वो बगीचे में जाते हैं फल वहां से लेकर के, और बैठ करके वो निकाल करके देते हैं। पीकर आती थी ना, अभी पता नहीं वो फैशन है पीने का या नहीं। बाबा कहते थे ना आगे बहुत पीती थी, बोलते थे क्या पिलाया, सूबी रस पिलाया, कहां से लाया, बगीचे से लाया। अरे सूक्ष्म बदन में बगीचा कहां से आया, ये तो बगीचा है तो जरूर बैकुंठ में तुमको ले गए होंगे, वहां तुमको पिलाया होगा। बाबा आप साक्षात्कार भी तो कराते हैं ना, सबको एक एक को तो बैठ करके नहीं साक्षात्कार कराएंगे, नहीं। जो जो निमित्त बने हुए हैं उनको ही साक्षात्कार कराते जाते हैं, जिनको होना होगा उनको होगा। ये बातें इन्होंने ही तो देखी, और बच्चे कहेंगे बाबा हम कब। हाँ हाँ हो सकता है, अगर तुम योगी होकर के अच्छे रहेंगे, याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे होकर के रहेंगे ठीक कायदे अनुसार, तो क्यों नहीं पिछाड़ी में तुमको बहुत बहुत साक्षात्कार होंगे। क्योंकि नजदीक आते हैं ना, बिल्कुल नजदीक। वो आदि वाले तो बहुत दूर थे, अभी तो बहुत नजदीक आ जाएंगे। परंतु ये सब किसके लिए होगा फिर भी, क्योंकि ये तो बच्चे आकर के बने हैं ना, एकदम सरेंडर, घरबार को छोड़ करके एकदम। तो उनको क्यों नहीं दिखलाएंगे। तो बच्चे कहते हैं बाबा हमने क्या गुनाह किया। बोले हाँ बच्चे ये तो बात ठीक है, ये तो एकदम आकर के सरेंडर हो पड़ा, लोक लाज कुल की मर्यादा बिल्कुल खोई दी, भावी ड्रामा की। क्योंकि ये गौशाला बननी थी, गौशाला कहो भट्टी कहो, पकना था उसमें, क्योंकि 7 रोज में तो कोई पकता ही नहीं है, तो तुमको बहुत भट्टी में डाल दिया। अब ये बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं समझाई जाती, तब बाबा समझाते हैं ये जो इतना लिटरेचर है ये भी तुम किसको देंगे ना, तो इनसे थोड़े ही वो समझेंगे। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए, टीचर 1 सेकंड में समझाई देगा। तुम भले ये चित्र किसको दे दो,
सामने आवे और तुम बोलते देखो ये बाबा है, तो कहेंगे हाँ। चित्र में कौन से पूछेंगे कि ये तुम्हारा बाबा है? कोई पूछेगा नहीं। तो चित्र से काम बहुत निकलता है, ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारा दादा है। बरोबर, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गाया हुआ है बरोबर, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे और जरूर इनका वर्षा होगा। बेहद का बाप तो ये है ना। ये तो स्वर्ग का रचयिता है ना। तो तुम बोल सकेंगे ना। अच्छा, चित्र हाथ में देंगे, बरोबर फेंक दिया जाता है, कुछ भी नहीं समझेगा। तो इसलिए ये जो लिटरेचर देते हैं, ये तो जैसे कि आपने उनको बताए देते हैं कि ये बाबा आया हुआ है, ये तुम्हारा फर्ज है कि सबको निमंत्रण दे दो, भले ढिंडोरा भी पिटवाओ कि बाप आ गए हैं। समझा ना? क्योंकि गाया हुआ है यादव कौरव और पांडव, बरोबर पांडवों की जीत हुई, यादव और कौरव मारे गए, कौरव और पांडवों का भारत में इतिहास है, तो जरूर वो भी है। और लड़ाई भी सामने खड़ी है, अट्ठाईस आठ चौसठ की वाणी का आठवां पेज। जरूर राजयोग भी सिखलाने वाला होगा और जरूर स्वर्ग की स्थापना होगी। एक धर्म की स्थापना होती जाएगी, क्योंकि तुम्हारी राजाई स्थापन हो रही है राजयोग से, और फिर अनेक धर्मों का विनाश तो जरूर हुआ है बरोबर। फिर ये नर से नारायण ऐसे बने हैं, नहीं तो नर से नारायण कैसे बना? ये क्या हुआ? किसी मनुष्य ने इतना पद कैसे पाया? तो अभी तुम खुद बैठे हुए हो, जानते हो कि हम अभी नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ये है हमारा एम ऑब्जेक्ट, दो तीन एम ऑब्जेक्ट तो नहीं बताएंगे ना। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि तुमको मनुष्य से सीताराम बनाते हैं, नहीं। उनको तो देवता भी नहीं कहा जाता है। क्यों? सीताराम को देवता क्यों नहीं कहा जाता है? है? त्रेता में देवताएं नहीं होते? हाँ,
जो देवताएं हैं वो तो 16 कला संपूर्ण होने चाहिए। कम कलाएं हो गई माने दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हुए। तो जो ब्राह्मण है 16 कला संपूर्ण बनते हैं वो ही देवता है। मनुष्य देवता गायन है, मानुष्य देवता की एक रत्न लागी बार, ऐसे नहीं कहते कि मनुष्य से क्षत्रिय की नहीं लागी बार, नहीं, मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी बार। बाबा ने कहा है ना, देवताएं सिर्फ सूर्यवंशियों को कहा जाता है और सूर्यवंशी 16 कला संपूर्ण होते हैं। चंद्रवंशी को फिर क्षत्रिय कहा जाता है। तो पहले पहले नंबर का देवता बनना चाहिए ना। नापास होते हैं तो क्षत्रिय बन जाते हैं। तो देखो बाप कितना अच्छी तरह से मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों को समझाते हैं। क्या कहते हैं मीठे मीठे शिकिल दे बच्चे, ऐसे कहते हैं ना। एक बाप हो जिसका एक बच्चा गुम हो गया हो, वो मिलेगा तो कहेगा सिक सिक ढूंढे ढूंढे करे फिर मिले। गुम हो जाते हैं और अखबार में भी डालते हैं, ये फलाना कहाँ गुम हो गए। अच्छा समझो, 6-8 महीने के पीछे आकर के मिलेगा तो कितना प्यार से मिलेगा। आंख से जल की धारा बहेगी, ऐसे होता है ना। तो ये कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम फिर एक थोड़े ही ढेर के ढेर हो। ए मेरे मीठे लाडले बच्चे, फिर तुम ही आकर के हमको मिले हो। तुम कितने बिछड़ गए। ड्रामा अनुसार कहेंगे ना, फिर अभी फिर तुम आकर के मिले हो बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। इसलिए तुम भी कहते हो डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट, यानी सतयुग की राजधानी जिसको बाबा बाबा कहते आए हो वो तुमको देने आया हुआ है। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या सौगात लाऊं। सौगात तो लाते हैं ना, बाप ही लाते हैं। तो लंदन से अमेरिका से क्या सौगात लाएंगे। तो देखो इतना दूर रहने वाला है, इनके लिए गाया जाता है हेवनली गॉड फादर स्वर्ग की सौगात लेकर के आते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सौगात लाया हूं ना। बेहद का बाबा कितनी बड़ी सौगात ले आएंगे, परंतु लायक भी तो बनना पड़ेगा ना। वहां जाने के लिए लायक बनना होगा। श्रीमत पर चल करके तो मीठे बच्चे शिकिले बच्चे श्रीमत पर ही चलते रहो, क्योंकि मम्मा बाबा कहते हो तो फिर ऐसे न हो कि ये मम्मा बाबा को भूल जाओ।
फिर बाबा मम्मा को भूल जाएंगे या फारकती देंगे। तो तकदीर जो तुम बनाकर आए हो यहाँ बाबा के गले में, कहते हो ना, मरना तेरी गली में, तो तुम बाबा की गली में आए हो ना, तो रुद्र शिव बाबा के गले के हार हो ना। बच्चे तो गले के हार होते हैं। अरे बच्चे तो गले में लपेटे रहते हैं। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, एकदम गले से, बाकी में बच्चों को प्यार से यहाँ माथे पर भी रखते हैं। देखो जो पाँव में गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं। चोटी है ना, तो उनको माथे पर चढ़ा लेते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना बाप की मत पर चलना चाहिए। 28-64 की वाणी का 9वां पेज, क्योंकि श्रीमत भगवान वास तो बिल्कुल गाया हुआ है कि अभी एक ही मत पर चलना है। मनमत पर नहीं चलना है, कोई मनुष्य की मत पर नहीं चलना है। मनमत हुई तो कहेंगे रावण की मत हुई, बस सिवाय एक के दूसरी मत या अपनी मत ली तो ये मरा। अपनी मत माना फिर रावण की मत हो जाती है। ये है ही श्रीमत। बच्चे श्रीमत पर चलते रहो तो तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य कौन है कि देवताएं हैं। मास्टर तो कहते हैं तुम्हारी भूल है, ऐसे तो नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है, हम क्या करें, हमने पढ़ाया है तो सब नंबर 1, 2, 3 हो गए, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ता है। तो ये बाप भी कहते हैं देखो मैं तुमको बच्चा बनाता हूँ, और तुम ये जानते हो कि ड्रामा में बरोबर 108 की अच्छी विजयमाला बनती है, अच्छे पास होते हैं। तो उन्हें 108 की लिस्ट में जरूर आना। 108 पुरुषार्थ करना, फिर किसको फॉलो करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो। जानते हो कि ये नंबर 1 में जाते हैं, कौन है, कौन नंबर 1 में जाते हैं, मम्मा बाबा। कब की मुरली है, 64 की, तो उस समय कौन मम्मा बाबा थे, हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा और ओम राधे मम्मा। तो जब पूछा जानते हो ये नंबर 1 में जाते हैं,
तो कौन से जन्म में नंबर वन में जाते हैं? सतयुग में नंबर वन में जाते हैं। और सबसे ऊंचा पद कौन से युग में मिलता है? पुरुषोत्तम संगम युग में, उसका नाम ही है पुरुषोत्तम। नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो फिर कौन से मम्मा बाबा की बात हुई? इसलिए मुरली में बोला, इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि यज्ञ के आदि में ये भी किसी से पढ़ाई पढ़ते थे। अब बताओ मम्मा बाबा को कैसे मिलते हैं? बाबा मम्मा बाप को याद बहुत करते हैं और सुदर्शन चक्र बहुत फिराते हैं। ये सुदर्शन चक्र इनकी निशानी है। अरे देखते नहीं हो, एक एक को सुदर्शन चक्रधारी बनाते जाते हैं। सुदर्शन चक्रधारी बना करके बाबा के सामने शिव बाबा की सौगात ले आते हैं। तुम लोग सबको लेकर के शिव बाबा के सामने आते हो ना, कि बाबा मैंने इनको सुदर्शन चक्रधारी बनाया। हाँ, फिर कितने को बनाया? दो को, पांच को, दस को, पचास, सौ को, ऐसे कहते जाएंगे ना। कितनों कितनों को है? कोई दो को बनाएंगे, कोई पांच को बनाएंगे, कोई दस को बनाएंगे, कोई पचास को भी बनाएंगे, और कोई सौ को भी बनाएंगे। तो ऐसे कहा जाएगा? तो ये कितनी मजे की बातें हैं। यहाँ देखो कितनों को लाते हैं, तुम ही समझो, और न समझे कोई इन बातों को। कोई भी नया आकर के बैठे तो बिल्कुल नहीं समझेगा एकदम। ये मनुष्य से देवता बनने की कालेज है ना, तो असुर कैसे समझेंगे? जब तक उनको अच्छी तरह से सात रोज में कुछ न कुछ रंग न चढ़ाए देवे। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सात रोज में रंग चढ़ जाता है, और कोई ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं चढ़ता, पाई का भी रंग नहीं चढ़ता। कोई को पाई का रंग, पैसे का, टके का, आने का, दो आने का, ऐसे ऐसे बहुतों को रंग चढ़ जाता है। तुम देख लेंगे उनके कपड़ों को, ऐसे ऐसे कोई छी छी कपड़े होते हैं, बड़ा मुश्किल मुश्किल से रंग चढ़ता है। तो उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अभी बच्चों को तो रोज समझाते रहते हैं, रात समझाते हैं ना, रोज रोज समझाते हैं कि कैसे बच्चों को समझाना चाहिए। पहले पहले ये बात बाबा ने बताई कि सबको कहो कि तुम बेहद के बाप को जानते हो। अभी पूछते तो बाप के बच्चे से है ना, अरे तुम बेहद के बाप को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो,
कहेंगे हाँ जानता हूँ, वो तो सर्वव्यापी है, मेरे में भी बैठा है, तेरे में भी बैठा है। अरे मैं बोलता हूँ तुम जानते हो, तुम बोलते हो मेरे में बैठा है, मेरे में बैठा है तो मुझे पूछने की तो दरकार ही नहीं रहती है। देखो कितनी पाई पैसे की बातें हैं, बंडर लगता है। तुम्हारा पिता, परम पिता, तुम्हारी आत्मा का पिता कहाँ है जो मेरे में है, ये कैसे हो सकता है? फिर दो आत्मा हैं या एक ही परमात्मा है? आत्मा परमात्मा है या परमात्मा है? तो फिर क्या कहेंगे, हम आत्मा सो परमात्मा हुए? अभी देखो कितनी गोलमाल बातें, गड़बड़ सड़बड़ और सब ऐसा ही। तो बच्चों को पहले पहले समझाना है, समझा? तुम सबको वर्षा चाहिए स्वर्ग का, तो वो समझ जाएगा ये बात बिल्कुल ठीक है। बाप है तो वर्षा जरूर मिलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आते हैं तो अलफ समझो, क्या आते आते क्या समझाना है? ये नहीं समझाना है तुम्हारा बाप बिंदी है, पहले क्या समझाना है? है अलफ माना अल्लाह, वो बिंदी जिसमें प्रवेश करती है मुकर्रर रूप से, उसको अल्लाह कहा जाता है, अलफ कहा जाता है। अच्छा बच्ची टोली ले आओ, तुमको कौन है कहने वाला मेरे शिकील दे बच्चे? ऐसे कोई सन्यासी कहेगा, उदासी कहेगा? कोई गुरु गुसाई कहेगा? 28-64 की वाणी का 10वां पेज, कोई नहीं कह सकते हैं। और तुम भी खुद जानते हो, कहेंगे और तुम न मानेंगे ऐसा भी नहीं हो सकता है। तुम जानते हो कि बरोबर हम परमपिता बाप शिव बाबा के शिकीले बच्चे हैं, बरोबर 5000 वर्ष के बाद फिर मिले हैं, क्यों? उनसे फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए। हम ही सो स्वर्ग के मालिक थे, अभी सो नरक के मालिक बने हैं। तो स्वर्ग के स्थापन करने वाले बाबा से हम फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और बनेंगे भी अपने पुरुषार्थ अनुसार। बनना तो जरूर है, पीछे स्वर्ग में जाना है जरूर, फिर उनमें ऊंचा पद पाना है, सर्विस करना है। अगर सर्विस के लिए ना कहा तो समझो ये कोई नास्तिक है। और तुमको तो आस्तिक बनना है, ऐसे बोला ना? कोई कहते हैं अभी हम ये नहीं करेंगे, मैं ये काम करूंगा ही नहीं, तो क्या समझ लेना चाहिए है? ये कोई नास्तिक है। नास्तिक माना इसको भगवान के ऊपर कोई आस्था नहीं है। कहा जाता है कि वो बाप का सच्चा बच्चा नहीं है,
विजिटर्स आते हैं, उनको कोई कोई ने शायद नहीं कह दिया। आजकल तो कोई बच्चे बाबा को भी ना कह देते हैं। किस बात में? सर्विस के लिए ना कह देते हैं। नहीं करेंगे तो बाबा समझ जाते हैं ये नास्तिक है। मम्मा की तो बम्मा जाने, पता नहीं वो भी किसको कहती होगी। कोई काम नहीं करता होगा तो मम्मा जाने, परंतु बाबा तो जानते हैं कि जब कोई को काम कहते हैं तो बाबा को भी ना कर देते हैं, तो फिर उनको नास्तिक कह देते हैं। श्रीमत पर न चलने वाला, अभी बताओ वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? ऐसा हो सकता है क्या? ये बाबा नहीं कहते हैं कि बाबा को जवाब दे दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा? ये तो फिर तुमको कहते हैं, तुम उनको कहो। क्या कहा है? बाबा किसी को साप नहीं देते हैं। ये तो फिर तुमको कहते हैं कि तुम उनको कहो। बाबा अगर कहे, श्रीमत से अगर कहे, तो फिर क्या होगा? है एकदम उखड़ जावेंगे। ये ऐसे कहते हैं ना सबको, ओ बच्चा ओ बेटा, बेटा बाबा का बनना है और बेटी माँ बनती है। अच्छा फिर भी बाबा कहते हैं मेरे मीठे मीठे से किले 5000 वर्ष के बाद अभी भी कहेंगे 5000 वर्ष, कल फिर भी कहेंगे 5000 वर्ष। ये इशारा कोई समझते हैं कि ये भी नहीं समझेंगे? कल भी ऐसे कहेंगे 5000। देखो समझने की कितनी बातें, कोई की बुद्धि में बैठनी चाहिए ना बातें। तो 5000 वर्ष बाद फिर से मेरे सिकिल्ले बच्चे तुम्हारे लिए किसका याद प्यार? मात पिता जिनको तुम याद करते आए हो, तुम ऐसे भी नहीं कहेंगे कि अच्छा भला पिता मेरे में है माता तेरे में है। अब बताओ ये तो कैसे हो सकता? तुम मात पिता गाते हो ना? अच्छा पिता के लिए तो तुम बोलते हो मेरे में सर्वव्यापी है, तो फिर माता कहाँ गई? देखो कभी कोई समझ न सके, एकदम बड़ी गुहे बातें हैं। जो मेरे लाडले बच्चे बैठे हैं, जो मात पिता बाप को ही कहते हैं, फिर बाबा ने समझाया ना, ये तो बच्ची है ना, इनकी भी तो कोई माता है ना। बोलो बच्ची तुम्हारी माता है? हाँ। तो कितनी गुहे बातें हैं। तो सिकिल्ले बच्चों प्रति मात पिता फिर बाप दादा भी कह देते हैं, क्योंकि बाबा भी है डाडा भी है, दोनों बाबा है तो डाडे का वर्षा। बाबा को कोई याद न करेंगे तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? यानी वो बच्चा ही कैसे हुआ और पोत्रा भी कैसे हुआ? समझा ना? अगर कोई ये भी भूल जाते हैं तो वो जैसे एक टांग वाले लांग लंगड़े बच्चे हैं। अच्छा ऐसे ऐसे मीठे बच्चे को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। ओम शांति।